शिवाय नमस्तु। स्कंद पुराण कथिए हमारे खंड में भी वर्णन शिव महापुराण कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मौली मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं लच्छा मौली लच्छा नाड़ा हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को नवमी को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए। अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र, जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इस पर चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी कोई लीवर कोई बहुत शरीर में कष्ट कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए 22 साल हो गए संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहां गणेश जी होते हैं, कहां कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान, ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया विषहरा चामरीबारी दौतली और देव, ये शिवजी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुख इधर, जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहां से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी पर आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवाधिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सवेरे सवेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कभी कभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, तब भी हरिओम जल का प्रयोग कर सकते हैं। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख ओ भोला सब दुख।